हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं हूं आकाश मंडोर। और आज कोई वीडियो का टॉपिक नहीं है, आज का दिन बहुत ही ग्रेट है। सबसे पहले तो आप सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद को एंजॉय करिए, आप लोगों को आज ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके साथ ध्यान रखना चाहिए कि ईद के दिन अगर मेरे यहाँ पर एक तरह की सेवई कम बने तो चलेगा, लेकिन मेरे पड़ोसी के यहाँ पर ईद मनाई जा रही है कि नहीं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर नहीं मनाई जा रही तो किसी तरीके से अगर आप इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में अगर उनकी हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए, क्योंकि उससे जो हैप्पीनेस मिलेगा वो बहुत ही बड़ा वाला होगा। तो मेरा ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में दो चार घर में जरूर देखिएगा कि उनके यहाँ पर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नहीं। नहीं कर रहे तो आप कैसे उनका सहयोग कर सकते हैं, जरूर देखिएगा। दूसरी चीज़ गैस, आप सबके लिए छोटी सी ईदी मेरी तरफ से भी है। आज ईदी का लास्ट डे है और यूनिक्स मेरे एप्लीकेशन पे आप सबको अगर ईद मुबारक कोड यूज करेंगे तो आप सबको पता है कि 50% का ऑफ चल रहा है हर एक सिविल इंजीनियरिंग कोर्स पे। एकदम नॉमिनल कॉस्ट में आपको सीखने को मिल जाएगा। वो कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी तरफ से छोटा सा एक हेल्प है आप सबके लिए। चाहे इसको ईदी के स्वरूप में देख लीजिए, चाहे ये सोच लीजिए कि मुझे आगे बढ़ने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। दूसरी चीज, आज का दिन बहुत स्पेशल है, अजय तृतीया है आज का दिन। अजय तृतीया आप सबको पता है और ये दिन बहुत ही ज्यादा लाइक ग्रेट दिन होता है। आज का दिन ग्रेट क्यों होता है, क्योंकि आप सबको पता है आज के दिन भगवान परशुराम का जन्मदिन हुआ था, उसके साथ हैग्रीव का जन्मदिन हुआ था, नर नारायण का जन्मदिन हुआ था। तो ये तीन अवतार होने की वजह से आज के दिन अक्षय तृतीया बोलते हैं इसके दिन को, पता है आप सबको। इसलिए हम सबके लिए दिन बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डे होता है। इस दिन हम लोग कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई अपने घर का प्रवेश करता है, कोई बाइक खरीदता है, कुछ न कुछ सब कोई नया करने की कोशिश करते हैं। और आज के दिन का थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ कि आज के दिन और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन गंगा का जन्मदिन हुआ था। गंगा माँ गंगा, आप सबको पता है माँ गंगा का जन्मदिन आज के दिन हुआ था। आज ही के दिन माता अन्नपूर्णा का जन्मदिन हुआ था। जो आप लोग खाना खाते हो तो माता अन्नपूर्णा हम लोग उनको स्वरूप देते हैं, तो आज ही के दिन उनका भी जन्मदिन हुआ था। और आज के दिन बंगाल वाले जो बंगाली भाई होंगे उनको पता होगा कि जो लोग ऑफिस का काम करते हैं, आज ही के दिन लक्ष्मी और क्या बोलते हैं गणेश जी का पूजा करके उसके बाद आज के दिन से लिस्ट बना के अपना खाता, नया खाता स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट वगैरह जो मेंटेन करते हैं आज के दिन से ही स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन ही क्या बोलते हैं भगवान शिव ने बोला था कि क्या बोलते हैं लक्ष्मी जी का और कुमेर जी का आज के दिन पूजा करना चाहिए, इसीलिए आज के दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदने की कोशिश करते हैं। इसके साथ एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के दिन वैसे तो एक्चुअली मान्यता भी है, बट मेरा भी कहना ये है कि अगर कोई आपके आसपास में ऐसा गरीब है जिसके यहाँ पे आज वो खाना नहीं खा रहा, तो आप उसको छोटा सा दान स्वरूप में कुछ ऐसा करिएगा कि उसकी हेल्प हो जाए और आज के दिन उसका फैमिली खा सके। छोटा सा भी सहयोग करेंगे तो उसके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन उसको दिखेगा। तो एक छोटे छोटे सहयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को खुशहाल रख सकते हैं। और इसीलिए तो त्यौहार होते हैं। त्यौहार का सबसे बड़ा मीनिंग ये होता है कि खुद तो इंजॉय करें ही और साथ ही साथ दूसरों को भी इंजॉय करने में मदद करें। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से हम लोग इंजॉय करते हैं अपने फेस्टिवल के दिन, वैसा ही हमें इंजॉय करना चाहिए अपने दूसरे दिन भी काम के साथ। डेफिनेटली आज काम नहीं करोगे, इसलिए मैंने भी कोई वीडियो का टॉपिक नहीं चूज़ किया, हमने कहा इंजॉय करो। जस्ट आप सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। इंजॉय करिए, मस्त रहिए, हो सके, हाँ ये हो सके नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आते हैं और वीडियो वॉच करते हैं। कल मुझे रिसर्च उस पर एनालिसिस पे दिखा रहता है कि वो सब्सक्राइब नहीं करते। कर लो यार, क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपका। दूसरे चैनल्स की हो गए ना, इसको भी सब्सक्राइब कर लो। आपको डेली यहाँ पर अपडेट्स मिलते हैं, 5 to 6 PM के बीच में आपको डेली नया नया नॉलेज मिलता है सिविल इंजीनियरिंग का, तो आपके लिए हेल्पफुल है। क्या करना है, चलिए जय हिंद जय भारत।